तेजस्वी जी ने जो कहा ना, वो हम आप डेली बात करते हैं। जब हम किसी चीज को कहते हैं ना कि ये चाइनीज माल की तरह है, यानी कि टिकाऊ नहीं है। आप देखिए, मैं सैकड़ा उदाहरण बीजेपी के लोगों का, ये फलाना चीज चाइनीज उपयोग मत करो, ये टिकाऊ नहीं होता है, उस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही। और संदर्भ क्या था? संदर्भ था डॉग विसिल पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति। और जहां तक रही बात शब्दों की गरिमा की, तो मैं तो कहूंगा भैंस मंगलसूत्र मुजरा को कहां रखते हैं? जिनको भी थोड़ा कष्ट हुआ ना तेजस्वी जी किस बात से, जरा भैंस मंगलसूत्र मुजरा टोंटी काटेगा बिजली काटेगा, ये कौन महापुरुष बोल रहे थे? मैं नहीं बोल रहा था, तेजस्वी जी नहीं बोल रहे थे, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान है। तो वो कहते हैं ना, जब कभी दूसरों पर तबसिरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। केसी त्यागी जी ने बतौर प्रवक्ता जो है रिजाइन किया है, आप कैसे इस फैसले? देखिए, उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया, जो अभी मैंने मीडिया में खबरें देखी हैं। मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, एक दल का आंतरिक मामला है, त्यागी जी ने निजी कारणों से दिया। लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि उनके साथ काम भी किया है, कई फोरम पर, खास करके पैलेस्टीनियन फोरम पे हम लोग साथ मिलते रहे हैं, हमारा एक स्टैंड है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है, और लगभग कमोबेश वो वही चीज़ें बोलते हैं इन मुद्दों पर जो गांधी नेहरू के टाइम से या लोहिया जी का विचार था। अब अगर उसको उससे किसी को गुरेज हुआ हो, मैं उसमें तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन एब्सोल्युटली अगर निजी कारणों से वो दिया तो उनका वो फैसला। सर, एक नोटिफिकेशन आया इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में होने हैं, तारीखों में बदलाव हुआ, बीजेपी की तरफ से पहले एक पत्र भी दिया गया था, आप इसको मानते हैं कि एक जेन्युइन ये जो हुआ नोटिफिकेशन वो जेन्युइन है या इसके पीछे भी? मैं इलेक्शन कमीशन पर तो टिप्पणी करने से इनकार कर रहा हूं। अगर बीते कुछ वर्षों में किसी एक संस्था की गरिमा में एवलांस लगातार हुआ है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन है। अब क्या कहूं, मैं तो बार बार कहता हूं, शेर सुना देंगे फिर इस पर भी कोई ना कोई, तो किरदार में वजन बढ़े ये हमारी उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन वजनी शेर सुनाएं इसके लिए भी, और ये भी बताएं कि ऐसा पिछली कितनी बार हुआ है, कितने बार विपक्ष के दलों ने जब कहा है तो उस पर तवज्जो दी गई है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है आर्टिकल 324 के तहत ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना, सिर्फ ये हर्फ नहीं है, फ्री दिखे, फेयर दिखे, लेवल प्लेइंग फील्ड दिखे, और वो दिखना बंद हो गया। सर, मलयालम इंडस्ट्री में काफी उथल पुथल चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, महिला एक्ट्रेसेस खुलकर सामने आई हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए जो अपने साथ जो काम करने वाले कलीग हैं उनके ऊपर। इससे पहले बॉलीवुड में भी ये होता रहा है, सीएम साहब ने भी कहा कि महिलाओं के लिए एक वर्क स्पेस जो है ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सुरक्षित रहें, कंफर्टेबल रहें काम करने। आप देखिए, मैं लगातार इस बात को, ये पहली बार मैं नहीं कह रहा हूँ, हिमा कमेटी रिपोर्ट के बाद जिसे आप उथल पुथल कह रहे हैं वो चर्निंग बेहद आवश्यक होती है, ये उथल पुथल नहीं है। हर समाज को जब आईना इस प्रकार की किसी कमेटी रिपोर्ट से दिखे तो उस आईने के संदर्भ में बदलाव सुनिश्चित होना चाहिए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम एक रिपोर्ट आई है। आप किसी भी फिल्म इंडस्ट्री, कल्चरल इंडस्ट्री में जाकर के देख लीजिए, कमोबेश यही हालत है। एक विमेन के लिए इन कॉरिडोर से गुजरना और एक मुकाम हासिल करना कितना मुश्किल है, इसकी आपको सैकड़ों कहानियां मिल जाएंगे, सैकड़ों तथ्य दस्तावेज मिल जाएंगे। मैं समझता हूं कि इस कमेटी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया ले दे करके कहानी यही खत्म ना हो, एक क्लींजिंग प्रोसेस हर जगह होना चाहिए, वो बेहद अहम है। सर, विश्वास शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था और साथ में विधानसभा में जुमे की नमाज को लेकर जो है चीजें फैसला लिया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव जी की तरफ से भी आया कि चाइनीज वर्जन बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के। आपको लगता है कि जो असम में हुआ
और जो फिर राजनीतिक बयान आना शुरू हुए वो जायज थे एक दूसरे के ऊपर, या इसमें कुछ ना कुछ नहीं नहीं तब तो बदलाव होना नहीं नहीं चाहिए देखिए तेजस्वी जी ने जो कहा ना वो हम आप डेली बात करते हैं। था? जब हम किसी चीज को कहते हैं ना कि ये चाइनीज माल की तरह है, यानी कि टिकाऊ नहीं है। आप देखिए, मैं सैकड़ा उदाहरण बीजेपी के लोगों का, ये फलाना चीज चाइनीज उपयोग मत करो, ये टिकाऊ नहीं होता है, उस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही। और संदर्भ क्या था? संदर्भ था डॉग विसिल पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति। और जहां तक रही बात शब्दों की गरिमा की, तो मैं तो कहूंगा भैंस मंगलसूत्र मुजरा को कहां रखते हैं? जिनको भी थोड़ा कष्ट हुआ ना तेजस्वी जी किस बात से, जरा भैंस मंगलसूत्र मुजरा टोंटी काटेगा बिजली काटेगा, ये कौन महापुरुष बोल रहे थे? मैं नहीं बोल रहा था, तेजस्वी जी नहीं बोल रहे थे, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान है। तो वो कहते हैं ना, जब कभी दूसरों पर तबसिरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। एक आखिरी सवाल ले लेते, महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहा है, जो स्टैचू गिरा उसके खिलाफ जो है अब आवाज उठाई जा रही है, उधर फडणवीस जी कह रहे हैं कि ये लोग नेहरू जी ने कब लाल किले से खड़े होकर शिवाजी जी के बारे में जो है चर्चा की या उनके बारे में कोई वाक्या कही, कांग्रेस पार्टी से भी पूछे इस बारे में, और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत है। नहीं, फडणवीस साहब को आप बड़ा कोट कर रहे हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं वो अपनी पार्टी में, बहुत परेशान है, उनके हाथ से सब कुछ निकल गया, बीजेपी भी उनका विकल्प तलाश रही है, वो किसी को इकट्ठा न कर पाए, न मुद्दों को, न व्यक्तियों को, न दलों को। रही बात शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज को सिर्फ माल्यार्पण से नहीं होता फडणवीस साहब, शिवाजी महाराज की पूरी जिंदगी देखिए, और ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये करप्शन के खिलाफ है। करप्शन क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोगों की डबल इंजन में बनी हुई चीजें हल्के से हवा के झोंके में उड़ जाती हैं, पुरानी कई चीजें बरकरार है, ये बेईमानी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी आपको बुरा लग रहा है? क्या चाहते हैं, बेईमानी के पक्ष में खड़े हों लोग? कमाल है। हर समाज को जब आईना इस प्रकार की किसी कमिटी रिपोर्ट से दिखे, तो उस आईने के संदर्भ में बदलाव सुनिश्चित होना चाहिए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम एक रिपोर्ट आई है, आप किसी भी फिल्म इंडस्ट्री, कल्चरल इंडस्ट्री में जाकर के देख लीजिए, कमोबेश यही हालत है। एक विमेन के लिए इन कॉरिडोर से गुजरना और एक मुकाम हासिल करना कितना मुश्किल है, इसकी आपको सैकड़ों कहानियां मिल जाएंगी, सैकड़ों तथ्य दस्तावेज मिल जाएंगे। मैं समझता हूं कि इस कमिटी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया ले दे करके कहानी यही खत्म ना हो, एक क्लींजिंग प्रोसेस हर जगह होना चाहिए, वो बेहद अहम है।